So let's begin with our today's topic, that is life process. This is chapter 6 of class 10th. So what are life processes? Life processes basically hote kya hai? तो हमारे बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं फूड के थ्रू, फूड को हम लोग इनटेक करते हैं, देन हम लोग फूड को यूटिलाइज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. सो जितने भी बेसिक फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, और अनदर एग्जांपल विल बी रिस्पिरेशन, जैसे कि हम लोग ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अदर फूड सब्सटेंसेस का सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर डाइजेशन होता है. सो ये जितने भी फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उसके प्रॉपर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल के लिए, उन सारे फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, और या फिर वो सारे फंक्शंस लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं. So all the basic functions performed by living organism for their survival and body maintenance are called life processes. यानी कि जितने भी basic functions एक living organism perform करता है अपने body में उसके proper survival, growth and maintenance के लिए, उसको हम लोग life processes बोलते हैं. Now basic life processes में कौन कौन से functions आते हैं, basic life processes में क्या क्या आता है, what does basic life processes include? So the very first thing will be nutrition. So nutrition पहले क्यों आ रहा है? Nutrition पहले इसीलिए आ रहा है because nutrition is the basic requirement for carrying out life process. And now your question will be why? Why is nutrition the basic requirement for carrying out life process? Because nutrition provides energy for carrying out life process. जैसे कि जब तक अगर हम लोग फूड ऑप्टेन नहीं करते हैं, फूड का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. एंड अनटिल एंड अनलेस एनर्जी इज़ नॉट प्रोड्यूस, वी कैन नॉट कैरी आउट एनी बॉडी फंक्शंस. वी कैन नॉट कैरी आउट एक्सक्रीशन, वी कैन नॉट कैरी आउट रेस्पिरेशन, वी कैन नॉट कैरी आउट ट्रांसपोर्टेशन. सो एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाई न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन कम्स फर्स्ट इन द लाइफ प्रोसेस, देन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन ऑप्टेन करना जिससे हम प्रॉपर सांस ले पाएँ, हमें प्रॉपर सर्कुलेशन हो एयर की, इन एंड आउट ऑफ आवर बॉडी हार्मफुल और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हमारे बॉडी से निकल पाए, उसके लिए रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जितने भी न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में, इट ऑल कम्स इन ट्रांसपोर्टेशन. नाउ एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, फीसिस मैटर एक्सेट्रा फ्रॉम आवर बॉडी, इट कम्स इन एक्सक्रीशन. Now so let us begin with the very first and the most important part of life processes, that is nutrition. So nutrition hota kya hai? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फूड ऑप्टेन करता है और अल्टीमेटली उस फूड को यूटिलाइज़ करता है, उस फूड को यूज़ करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं. सो इफ़ वी टॉक इन इंग्लिश, देन इट विल बी द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ एनिमल और प्लांट, takes in and utilize food substances to provide energy for carrying out life processes are called nutrition. So जितने भी organism होते हैं वो सब food को लेते हैं, food को break down करते हैं, उसको utilize करते हैं energy produce करने के लिए, जिससे कि उनके body के functions, life processes easily हो पाएँ. ठीक है, तो so this is nutrition. Now nutrition के भी various ways होते हैं, there are various modes or ways of nutrition. So there are two specific ways of nutrition, two specific modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic. So autotrophic, as the name suggests, auto means automatic, यानी कि अपने आप हो रहा है, यानी कि दिस इज़ द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, उस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना पाते हैं. So this is the kind of nutrition in which organism can synthesize their own food. So autotrophic word उन्हीं organism के लिए आएगा जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और अपना nutrition खुद obtain कर सकते हैं. So now we'll ask एक example क्या होगा. So plant, and plant may be specifically green plants, because nutrition only occurs, autotrophic mode of nutrition only occurs in green plant, because only they can perform photosynthesis. प्लांट्स में तो ऑब्वियसली फूड फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनता है, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड अल्टीमेटली अपना फूड पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं.
So this will be an example of autotrophic mode of nutrition. Now heterotrophic mode of nutrition, obviously autotrophic के opposite हो जाएगा heterotrophic. Autotrophic में हमने क्या बोला कि उस तरीके का nutrition जिसमें organism अपना खाना खुद बना पाते हैं. So heterotrophic will be just opposite to that, यानी कि the kind of nutrition in which organism cannot synthesize their own food and they depend on other organism for their food. सो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, पर वो अल्टीमेटली ऑन वन वे और अनदर किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए, लाइक एनिमल्स एंड फंजाई. अगर हम इसका सबसे कॉमन एग्जांपल लें तो इट विल बी अस, यानी कि ह्यूमन बींग्स. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हम अल्टीमेटली प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. सो let us begin and study in detail about the autotrophic nutrition. So autotrophic nutrition की जैसे ही बात आती है तो हमने autotrophic nutrition तो पढ़ लिया कि autotrophic nutrition होता क्या है. This is the kind of nutrition in which organism can synthesize their own food. Now autotrophs क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक से वर्ड आ रहा है ना ऑटोट्रॉफ्स, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. सो हमने एग्जांपल दिया था ग्रीन प्लांट्स का, तो ग्रीन प्लांट में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. सो वी ऑल नो, आई थिंक वी ऑल नो दैट इट इज़ फोटोसिंथेसिस. उनमें फोटोसिंथेसिस होता है जिसके हेल्प से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. सो अब हमें ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है. बार बार ये वर्ड आ रहा है ना फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से वो अपना खुद बना खाना खुद बना पाते हैं. सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 H2O के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, डैट इज़ स्टार्च बनाते हैं. ठीक है, स्टार्च बनाते हैं, और ये तभी होगा जब सनलाइट एंड क्लोरोफिल अवेलेबल हो. मैंने बोला था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बस ग्रीन प्लांट में होता है. सो इसीलिए ओनली ग्रीन प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, और इट ऑल्सो कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. सो the process by which green plant make their own food with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. उसको हम photosynthesis बोलेंगे. सो जैसे कि हमने देखा photosynthesis के definition से कि photosynthesis जो है उसका basic requirement जो है वो क्या है, CO2 है, H2O है, एंड वो लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही हो सकता है. अगर लाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर. ओके, सो CO2 आया, H2O आया, दोनों कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, एंड व्हाट विल इट मेक, इट विल मेक शुगर, दैट इज C6H12O6, एंड प्लस इट विल रिलीज ऑक्सीजन. सो दिस विल बी द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस. वी विल बैलेंस आउट द फॉर्मूला, दैट विल बी 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, यानी कि 6 ऑफ O2. नाउ अब ये तो हो गया प्रॉपर फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स क्या होते हैं. तो सपोज दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के रूट्स हैं. तो यहाँ से प्लांट को H2O मिलता है. प्लांट ऑब्टेन्स H2O विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. उसके बाद इफ़ यू मूव अहेड, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसका सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसका सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड आके प्लांट को मिलता कहाँ से, वेयर डज प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड. सो सपोज दीज आर द लीव्स, सो CO2 जो है वो प्लांट को लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू मिलता है. स्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है लीव्स में, एंड देयर विल बी अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी ऑल्सो. सो सन विल बी द सोर्स ऑफ
आवर लाइट एनर्जी. यहाँ से हमारे प्लांट को लाइट एनर्जी मिलता है. और ये जो ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स जो हैं वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड ऑब्टेन करते हैं, जिसके थ्रू अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होता है. एंड लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल्स. अब इसके बाद क्या होगा, अब तो सारा रिक्वायरमेंट्स मिल गया, वाटर मिल गया प्लांट को रूट्स के थ्रू, CO2 मिल गया स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, लाइट एनर्जी मिल गया सन के थ्रू, एंड क्लोरोफिल तो अल्टीमेटली उसके लीव्स में प्रेजेंट होता ही है इन द स्पेसिफिक सेल नोन एज क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल. तो वो अल्टीमेटली लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो इसके बाद दो चीज़ होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड इन द एयर एंड अनदर थिंग विल बी स्टार्च इज फाउंड. स्टार्च बनता है. तो ये प्रॉपर है इवेंट्स फोटोसिंथेसिस का. सबसे पहले रूट्स के थ्रू वाटर अब्जॉर्ब करता है प्लांट, रूट्स के थ्रू वाटर अब्जॉर्ब हो गया लीव्स में, देन स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीव्स में, लीव्स जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. एंड जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं फोटोसिंथेसिस की, हाइड्रोजन कार्बन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, देन ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड इन द एयर एंड स्टार्च इज फॉर्म्ड एज अ फूड मटेरियल फॉर प्लांट्स. सो दिस इज द होल इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ स्टोमेटा, अब यहाँ पे आ रहा है स्टोमेटल ओपनिंग. तो स्टोमेटा क्या होता है, सो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स. स्मॉल स्मॉल पोर्स जो होते हैं वो हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं. तो स्टोमेटा मेनली गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, मेनली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी कि ऑक्सीजन का एग्जिट और CO2 का एंट्री के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. सो रोल ऑफ स्टोमेटा अगर हम देखें कि स्टोमेटा क्या है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 एंड दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स. सो ये हो गया स्टोमेटा का रोल. तो स्टोमेटा क्या होता है, ये टाइनी पोर्स है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, एंड ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी कि एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ग्रीन लीव्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो ये हो गया प्रॉपर इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस का. तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस है क्या, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं CO2 एंड H2O के हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट एंड क्लोरोफिल का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर सनलाइट एंड क्लोरोफिल में से अगर कोई भी एक ना रहे तो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द फॉर्मूला. जैसे हमने बोला कि CO2 एंड H2O के हेल्प से बनता है, तो CO2 एंड H2O कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड अल्टीमेटली शुगर बनाएगा, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन विल बैलेंस दिस फॉर्मूला एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द मेन फॉर्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में. तो सबसे पहले रूट्स के थ्रू वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, देन उसके बाद ये वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुँच जाएगा. ओके,
देन CO2 जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू एंटर करेगा लीव में. लाइट एनर्जी जो है वो सन के थ्रू मिलेगा एंड क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होता है लीव्स में. दीज आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक ऑर्गनल्स ऑफ प्लांट सेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट. एंड इसके बाद ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड इन द एयर एंड स्टार्च विल बी फॉर्म्ड विच इज़ द फूड मटेरियल ऑफ प्लांट. नाउ स्टोमेटा का फंक्शन, स्टोमेटा जो है वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एंड दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हमने क्या देखा था कि इट वॉज अपोजिट टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था, दिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये देखा कि इस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं एंड वो अल्टीमेटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. जैसे कि कॉमन एग्जांपल है हम, यानी कि ह्यूमन बींग्स, वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड एंड वी अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर आवर फूड. सो उसी तरीके से जैसे हमने बोला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो ऑटोट्रॉफ्स आएंगे. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स बोलेंगे. एज सिंपल एज दैट. नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू 3 पार्ट्स. यानी कि दिस इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. It is further classified into 3 parts. So the very first part will be holozoic nutrition. So holozoic nutrition होता क्या है? सो होलोजोइक न्यूट्रिशन उस तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इनटेक करता है. यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड फूड पे फीड करता है एंड फिर अल्टीमेटली उस फूड को ब्रेक डाउन करता है अपने बॉडी के इनसाइड एंड देन एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. देन एनर्जी विल बी फॉर्म्ड. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन विल बी एनिमल्स और organisms feed on solid food which ultimately breakdowns inside our body. So example of this will be humans. सो जैसे कि मैंने बोला कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये उस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी एनिमल हो ऑर्गेनिज्म वो सॉलिड फूड का इनटेक करता है एंड वो सॉलिड फूड उसकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है एंड अल्टीमेटली एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. सो हम भी अगर हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन्स का, वी टेक सॉलिड फूड इनसाइड आवर बॉडी एंड फिर वो सॉलिड फूड जो है वो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन होता है एंड अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. ओके, सो वी आर एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. एंड अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है. अमीबा जो है वो अपना फूड पार्टिकल सबसे पहले इंजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, फिर उसके अंदर एक फूड वैक्यूल बनता है एंड लास्टली वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको रिलीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन और स्यूडोपोडिया और द सेल एक्सटेंशंस. नाउ द वेरी सेकेंड पार्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक, सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें उस तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सड़े गले सब्सटेंसेस पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. Like fungi. So
सो अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलें कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है, सो ये उस तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सड़े गले सब्सटेंसेस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। हमने देखा भी होगा, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल फंजाई का क्या है, मशरूम्स है। तो मशरूम्स मोस्टली वैसे प्लेसेस में ही उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डंपी एरिया हो, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो, वहाँ पे सड़ी गली चीज़ें हों, वहाँ पे आसपास मशरूम ज़्यादा उगते हैं। वो इसलिए बिकॉज वो अपना न्यूट्रिशन उन्हीं सड़ी गली चीज़ों से ऑब्टेन करता है और अल्टीमेटली उसका ग्रोथ होता है। सो इट ग्रोज इन दैट काइंड ऑफ प्लेसेस। सो दिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। सो इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन other organism. They either live inside or on the surface of other organism. Example will be ticks. So let me explain it. पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली उस तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और किस तरीके से ऑब्टेन करता है, या तो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा या तो उसके बॉडी सर्फेस पर रहेगा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम इसका टीक ले सकते हैं, या फिर हमारे बालों के जो जुएँ होते हैं वो हमारे हेड के सर्फेस पर रहते हैं, अल्टीमेटली उसी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाउ हम लोग प्रॉपरली फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीनों पार्ट्स का। तो सबसे फर्स्ट विल बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स सॉलिड फूड पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, एंड अल्टीमेटली वो जो सॉलिड फूड वो इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है उनके बॉडी में एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जाम्पल विल बी ह्यूमंस एंड अमीबा ऑल्सो। नाउ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये उस तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर सड़े गले सब्सटेंसेस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो द कॉमन एग्जाम्पल विल बी फंजाई। एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन उस तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है, वो या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेगा या तो उसके बॉडी सरफेस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। एग्जाम्पल टिक्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सो न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल में उसके प्रॉपर 5 स्टेप्स हैं। So the very first step is ingestion. So ingestion होता क्या है? Ingestion यानी कि taking of food material with the help of our mouth. हम लोग अपने mouth से जैसे food को ingest करते हैं, food को लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसी को ingestion बोलते हैं, यानी कि taking in of food with the help of our mouth is ingestion. Now the second process will be digestion. फूड का जो प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है, प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है फूड का कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट स्टेप विल बी अब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो हमारे वेरियस ब्लड वेसल्स में बॉडी में वो किस तरीके से अब्जॉर्ब होते हैं, वो प्रॉपर प्रोसेस, उसको हम लोग अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन। Assimilation is the process of producing energy by the digested or the absorbed food particle. Absorbed and digested food particle के थ्रू जो energy produce होता है उसी को हम लोग assimilation बोलते हैं। And the last step is ejection, यानी कि undigested food particle or waste products का body से निकल जाना, removal of unwanted or
अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। सो एक बार हम लोग क्विक रिकैप करते हैं सारे स्टेप्स का। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, यानी कि टेकिंग इन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ आर माउथ इज इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस फॉर ईजी अब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ आर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम इज डाइजेशन। थर्ड इज अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं डाइजेस्टेड वो सारे किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अब्जॉर्ब हो रहे हैं वो सारे अब्जॉर्प्शन में आ जाते हैं। असिमिलेशन, यानी कि फूड पार्टिकल अब्जॉर्ब फूड पार्टिकल से एनर्जी का रिलीज होना हमारे बॉडी में। एंड लास्टली इजेशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड अनवॉन्टेड फूड पार्टिकल का रिमूवल हमारे बॉडी से। सो दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ लेट अस बिगिन विद द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अमीबा का जो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड फूड पार्टिकल पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो सॉलिड फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है, वो सॉलिड फूड पार्टिकल जो है उसकी बॉडी में रिएक्ट करता है, डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होला तो हो जाता है, एंड अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। सो ये है, सपोज दिस इज अमीबा। And this is a food particle, suppose. This is a food particle. So the second step में क्या होगा कि ये जो अमीबा है it has pseudopodia. Pseudopodia जो है इस food particle को ingest करने के लिए कुछ ऐसा structure बना लेता है जैसे कि वो फूड पार्टिकल जो है इसके अंडर आ जाए। यहाँ पे आ जाए, तो ये इस तरीके से फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। दीज आर द स्यूडोपोडिया इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अमीबा जो है उसकी बॉडी में एक फूड वैक्यूल बन जाता है जहाँ पे with the help of enzymes food are digested. Okay, and lastly अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इज थ्रोन आउट। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले जैसे ही कोई फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा के नज़दीक आता है तो उसका जो सेल एक्सटेंशन है स्यूडोपोडिया जो उसकी उसमें प्रेजेंट होता है वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है। ओके, एंड जैसे ही ये फूड पार्टिकल यहाँ पे आता है अमीबा में एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसके हेल्प से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। एंड लास्टली जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो भी बच जाता है मटेरियल वो सारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकल जाता है। ओके, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा।
नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इट कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स लाइक लिवर एंड पैंक्रियाज. तो जो प्रॉपर डाइजेशन होता है एनिमल्स में, हमने पहले पढ़ा इंजेशन, यानी कि हम लोग फूड को लेते हैं, फिर उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड अल्टीमेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं. सो ये प्रॉपर जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें एलिमेंट्री कनाल आता है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं, जैसे कि लिवर हो गया एंड पैंक्रिया. तो जो वेरी फर्स्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल का, वो है माउथ. सो माउथ में क्या होता है, जैसे ही हम लोग इनटेक करते हैं फूड को, तो सबसे पहले फूड का ब्रेकडाउन होता है टीथ के हेल्प से. टीथ जो होता है वो ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग करता है फूड का, यानी कि फूड जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ये च्यू हो जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ. टंग क्या करता है, वो फूड को रोल आउट कर देता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है, या फिर हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं. उससे क्या होता है कि जो स्टार्च है, 30% ऑफ स्टार्च जो होता है वो शुगर में यहीं पे कन्वर्ट हो जाता है. इट गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर एट दिस पॉइंट ओनली, जब हम लोग अपना फूड को इनटेक करते हैं माउथ से. इसके बाद जैसे ही फूड जो है वो रोल आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड आफ्टर ग्राइंडिंग विद द हेल्प ऑफ टीथ, उसके बाद वो फूड जो है वो ईसोफेगस में जाता है. ईसोफेगस इज़ अ फूड पाइप है जिसके हेल्प से. नाउ ईसोफेगस क्या करता है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है. नाउ यू विल आस्क कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है क्या. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बेसिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, यानी कि खुलती है बंद होती है. फूड पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करती है, जिसके थ्रू जो है वो फूड जो है वो मूव करता है माउथ से स्टमक तक. ओके, सो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस अकर्स बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल, इसके हेल्प से जो फूड है वो कहाँ पे पहुँच गया, स्टमक में पहुँच गया. अब हम लोग को ये देखना है कि स्टमक में जाने के बाद फूड में एक्चुअली होता क्या है. तो जैसे ही फूड स्टमक में पहुँचता है तो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है. स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक जूस. नाउ गैस्ट्रिक जूस के 3 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. गैस्ट्रिक जूस में 3 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. पेप्सिन क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का. प्रोटीन को स्मॉल पार्ट में पेप्टोन्स में और प्रोटीएज में कन्वर्ट करता है पेप्सिन. उसके बाद HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि सारा ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो पाए, एंजाइम्स प्रॉपरली मिल पाए ब्रेकडाउन के लिए. म्यूकस जो क्या करता है, वो हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, स्टमक का जो वॉल है, उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से. क्योंकि HCl क्या कर देगा, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को इरोड कर देगा, ख़राब कर देगा. ओके, अल्सर प्रोड्यूस करेगा हमारे स्टमक में. इसीलिए म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारा जो इनर लाइनिंग है स्टमक का, वो कोटेड रहता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे HCl से. नाउ इसके बाद जो फूड है हमारा, थोड़ा बहुत यहाँ पे ही ब्रेकडाउन हो जाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया. ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद जो फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही बीच में एक्सेसरी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया. ठीक है, लिवर एंड पैंक्रियाज हो गया. तो लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, एंड बाइल जो है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. नाउ यू विल आस्क कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है. तो इमल्सिफिकेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. तो लिवर जो है इट सिक्रीट्स बाइल विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. नाउ सेकेंडली पैंक्रियास. पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया. ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को उसके स्मॉलर पार्टिकल पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. ओके, इसके बाद इंटेस्टिनल एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं. इंटेस्टिनल एंजाइम्स क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को उसके बहुत ही छोटे फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे. ग्लूकोज क्या है, एक अब्जॉर्बेबल फॉर्म है. अब्जॉर्बेबल फॉर्म में सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इंटेस्टिनल एंजाइम्स कन्वर्ट कर देंगे. फैटी एसिड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे. इस तरीके से ये जो है प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा हमारे फूड का कॉम्प्लेक्स स्मॉलर अब्जॉर्बेबल फॉर्म में. ओके, ताकि हमारा बॉडी ईजिली फूड को अब्जॉर्ब कर पाए. सो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से सबसे पहले फूड माउथ में आएगा, इनटेक होगा फूड का, फिर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग होगा विद द हेल्प ऑफ
अतीत, रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड होगा विद द हेल्प ऑफ टंग, उसके बाद जो फूड है वो राउंड शेप में आके वहाँ से मूव करेगा इन द इसोफेगस। जैसे ही इसोफेगस में आएगा तो इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। उस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से फूड इसोफेगस से स्टमक में आएगा। जैसे ही फूड स्टमक में आएगा तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, HCl होता है एंड म्यूकस होता है। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा उसके स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूट में। HCl क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि जितने भी इंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएं प्रॉपर ब्रेक डाउन के लिए। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा ताकि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो HCl से कहीं इरोड ना हो जाए, कहीं HCl से उसमें अल्सर ना हो जाए। उसके बाद जो यहाँ से प्रॉपर थोड़ा बहुत जो डाइजेस्टेड फूड है इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पूरा प्रॉपर डाइजेशन होगा। ओके, सो लीवर एंड पैंक्रियाज एक अशीटेड ग्लैंड की तरह यहाँ पे काम करेंगे। लीवर बाइल सिक्रीट करेगा जिससे हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन होगा। इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग बड़े बड़े लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इंटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, सो ये प्रोसेस है बाइल के थ्रू हो जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये सारे एंजाइम क्या करेंगे प्रोटीन को उसके स्मॉल पार्टिकल पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा एंड लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा उसके स्मॉल पार्टिकल में। उसके बाद इंटेस्टिनल एंजाइम के थ्रू जो सारे भी फूड पार्टिकल्स है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट था स्टार्ट में, वहाँ पे शुगर में कन्वर्ट हुआ था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट था वो, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये अब्सॉर्बेबल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज ऐसा फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जो कि सिंपली हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो अब्जॉर्बेबल फॉर्म में जितने भी पार्टिकल हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटेस्टिनल एंजाइम्स। फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ फैट, उसमें कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो ये सारा हो जाएगा। देन उसके बाद विल कम टू लार्ज इंटेस्टाइन्स। के बाद जो है फूड है यहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन हो गया फूड का, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन हो गया फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जितने भी एक्सेस वाटर और मिनरल होंगे उनका अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है एंड जो थोड़ा बहुत एक्सेस वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन बचा रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सो इट अब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन विल कम टू रेक्टम। रेक्टम क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को टेम्परली कलेक्ट करके रखेगा अंटिल एंड अनलेस हमें उसको हमारे में अर्ज ना हो रिलीज करने का वेस्ट प्रोडक्ट को। वी डू नॉट फील अ अर्ज टू रिलीज द वेस्ट पार्टिकल, इट विल कलेक्टेड टिल देन एंड देन एनस विल हेल्प इन द इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड और अनवॉन्टेड फूड पार्टिकल। ओके, सो दीज आर ऑल द ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन, दैट इज माउथ, इसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So these are the proper parts of digestive system जिसके through हमारा proper digestion, absorption, assimilation and ingestion complete होता है. Okay? So this was all about nutrition students. If you guys understood my lecture, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, सब कुछ properly समझ में आया हो, तो please like, share and subscribe to my channel. And अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जिसके through मैं improve कर सकती हूँ, like मेरी handwriting में improve कर सकती हूँ, अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती हूँ, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड सजेस्ट मी दैट कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। मोर ओवर अगर आप 1-to-1 लेक्चर चाहते हो मेरे साथ, प्रॉपर अपना प्राइवेट वाला, प्रॉपर क्विजेस चाहते हो, स्टडी मटेरियल चाहते हो, टेस्ट चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन बिलो फॉर योर वेरी ओन प्राइवेट ऑनलाइन ट्यूशंस। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।